नमस्कार, आप सभी को इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे ये वाईफाई का इन्वेंशन आखिर कैसे हुआ, जो हम लोग यूज़ करते हैं वाईफाई, कैसे इसका इन्वेंशन हुआ, कौन इसका इन्वेंशन किया। और आपको बता दें, वाईफाई का इन्वेंशन बाई मिस्टेक हो गया था। वो जो साइंटिस्ट इसे इन्वेंट किए, वो असल में कोई दूसरा टॉपिक पर खोज कर रहे थे, और उस खोज में इन्होंने एक टूल बनाया था। तो बाई मिस्टेक वो टूल बाद में वाईफाई के जैसा यूज़ होने लगा। तो मतलब ये एक्सीडेंटली हो गया था वाईफाई का इन्वेंशन। और भी बहुत सारा बात है इसके बारे में, आइए हम देखते हैं। तो ये जो वाईफाई का इन्वेंशन था, ये किया गया था जॉन ओ सुलिवन के द्वारा, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है। ये काम करते हैं CSIRO, जो कि फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये यहाँ पर काम करते हैं साइंटिस्ट के रूप में। ये बहुत ही प्रभावित थे और बहुत ही सीरियसली लेते थे स्टीफन हॉकिंस के थ्योरी को और उनके बातों को। स्टीफन हॉकिंस बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। तो स्टीफन हॉकिंस उस समय एक थ्योरी प्रपोज किए थे, इवापोरेटिंग ब्लैक होल एंड देयर सब्सिक्वेंट रेडियो वेव्स। एक ये थ्योरी वो दिए थे। ये थ्योरी हमें बताता है कि जो स्पेस में ब्लैक होल है, वो असल में धीरे 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 वो डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना मास है उसका, वो छोड़ रहा है वेव के रूप में। वेव के रूप में ब्लैक होल अपना मास को छोड़ रहा है, जिसके कारण थोड़े टाइम के बाद वो डिसअपियर हो जाएगा। तो जो वेव है उसको वो आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे जॉन ओ सुलिवन। तो ये क्या किए, इस थ्योरी को साबित करने के लिए वो अपने कलीग लोग के साथ निकल पड़े, मतलब इसको साबित करने के लिए। तो जब वो इसको साबित करने के लिए निकले, तो फिर उसके बाद वो देखे कि ये जो वेव आ रहा है ब्लैक होल से, ये बहुत ही मतलब वीक वेव है, बहुत ही कमज़ोर है, और ये बहुत ही दूर से आ रहा है स्पेस में। ब्लैक होल एकदम सेंट्रली है, यूनिवर्स के सेंटर पे, और ये वहाँ से आ रहा है, कितने सारे गैस से ये टकरा रहा है, डस्ट पार्टिकल से टकरा रहा है, जिसके कारण ये वीक हो जा रहा है। और हमारे अर्थ में भी कितने सारे रेडियो वेव्स हैं, जिसके कारण इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। तो कोई स्पेसिफिक रेडियो वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए ये और इनके कलीग लोग मिलके एक ऐसा टूल बनाया, जिसमें वो बाकी के रेडियो वेव को वो ब्लॉक कर देगा और एक स्पेसिफिक रेडियो वेव को वो आने देगा, जिसके मदद से साइंटिस्ट उस रेडियो वेव को वो स्टडी कर सके। ऐसा वो एक टूल बनाए थे। तो बाद में लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुए ये थ्योरी को प्रूफ करने में। फिर बाद में 1992 में इनके ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें एक टास्क दिया कि एक ऐसा इन्वेंशन करो, ऐसा एक टेक्नोलॉजी फाइंड करो, जिसमें कि दो कंप्यूटर को आप बिना वायर के कनेक्ट कर सकें। उसी समय ये फंडा आया था वायरलेस का, वाईफाई का समझ लो, ठीक है। तो फिर ये साइंटिस्ट जॉन ओ सुलिवन ने क्या किया, अपना पुराना जो रिसर्च कर रहे थे उस थ्योरी पे, उस समय उन्होंने एक टूल बनाया था जो मैंने बताया। तो उस टूल को ये वापस से उसमें काम किए, उसमें थोड़ा चेंजेस लाए, उसमें डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस लाए, उसके वर्किंग में चेंजेस लाए, और फिर उन्होंने क्या किया, उसे और डेवलप किया। और उस टूल की मदद से वो इतने नॉइसी इन्वायरमेंट में, नॉइसी का कहने का मतलब है इतने सारे तरंग, इतने सारे रेडियो वेव के इन्वायरमेंट में को उस स्पेसिफिक रेडियो वेव को कैप्चर करने का ऐसा वो टूल बना दिए थे, जो कि एक वाईफाई टूल का सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है। जैसे कोई इमारत खड़ी होती है तो उसका बेसिक कंपोनेंट ईटा होता है, वैसे ही समझ लो वाईफाई का जो इंस्ट्रूमेंट है, वाईफाई का जो टेक्नोलॉजी है, उसका बेसिक वो अपना टूल के मदद से उस ऑर्गेनाइजेशन को दिए। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन उसमें चेंजेस लाया और उसके बाद वाईफाई का इन्वेंशन हुआ। उस ऑर्गेनाइजेशन ने वाईफाई का इन्वेंशन किया, और फिर क्या हुआ बाद में, उसका पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन को मिला, उसमें पेटेंट मतलब कॉपीराइट उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गया। ये साइंटिस्ट क्या किया, अपना इन कॉपीराइट ऑर्गेनाइजेशन को दिए, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के पास इसका कॉपीराइट आया। फिर बाद में इसका कॉपीराइट US भी लिया, और ऐसे करके ये फिर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो ऐसा हुआ था वाईफाई का डिस्कवरी। स्टीफन हॉकिंस एक जरिया थे, जिसके कारण जॉन ओ सुलिवन ये डिस्कवरी करने पाए। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा। तब तक के लिए गुड बाय जैन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।